देखिए पूरा पहाड़ देख सकते हैं आप, किस तरह से पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर नरसिंह भगवान का प्रतिमा आप देख सकते हैं किस तरह से। हजारों वर्षों से पुराना ये जैन मंदिर है। ये देखिए, इसको आप दूर से देखिएगा ना तो ये शंख के जैसा लगेगा, इसलिए इस कुंड का नाम शंख कुंड है। देखिए यहाँ शंख का तस्वीर भी बनाया हुआ है। टू माय न्यू वीडियो, तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज आप लोगों के लिए खूबसूरत सा वीडियो लेके आए हैं। आज आ चुके हैं बागा का सबसे प्रसिद्ध स्थान में से एक, मंदार हिल। आप वो देख सकते हैं, वो मंदार हिल है। ये पाफरनी गंगा घाट है, पाफरनी तालाब है, आप देख सकते हैं। यहाँ भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर बना हुआ है, क्योंकि कल आज सिंह का एतवार है, इसलिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं इस कदर बना हुआ है। ये पाफरनी तालाब जो है, इसमें स्नान करने से सारे रोग कष्ट और सभी पाप मिट जाते हैं, इसलिए भक्तों का भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर लगा हुआ है। और यहाँ मेला भी थोड़ा लगाया गया है, और सारी सामान आपको पूजा का सामग्री जितना होता है सभी इस स्थान पे मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं वो जो है विष्णु और लक्ष्मी माता का मंदिर है, अभी हालांकि बंद है, खुलेगा तो हम अंदर जाके दर्शन करा देंगे आपको। और उधर मंदार पर्वत है, पूरा आपको टूर कराएंगे इस वीडियो में, पूरा ऊपर तक जाएंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। अब आप लोगों को ये जो पाफरनी देख रहे हैं आप, ये पाफरनी तालाब, उसी के बीचों बीच ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का एक मंदिर, खूबसूरत सा मंदिर है। तो चलिए लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं। आप यहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं किस तरह से, वो मंदार पर्वत आप देख सकते हैं। यही मंदार पर्वत है जो कि यहाँ समुद्र मंथन हुआ था, उधर देख सकते हैं आप, समुद्र मंथन का एक थीम के रूप में बनाया गया है, वहाँ भी ले जाएंगे आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या कहता है भीड़, आप देख सकते हैं किस कदर बना हुआ है। सिंह का एतबार है, इसलिए यहाँ भक्तों का भीड़ देखने को आपको इस कदर मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं उधर माता का प्रतिमा है, तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं, कोशिश करेंगे माता का आपको दर्शन कराने के लिए। हालांकि मंदिर में शायद वीडियो फोटो लेना मना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दर्शन कराने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरती, तालाब से आगे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे आप आगे की ओर आइएगा, आपको एक ये जो दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ एक ही है, मतलब ये आपको जो दर्शाया गया है ये पहाड़ है, यानी कि ये जो मंदार पर्वत है ये पूरा एक शिला है, इस मतलब एक थीम के तौर पे दर्शाया गया है। जिस तरह में आपको ये दर्शाया गया उसी तरह में जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी तरह में हुआ था, आप ये देख सकते हैं। आज भी यहाँ सांपों के निशान इस पहाड़ पे आपको मौजूद दिखेगा, जब आप ड्रोन से या कोई भी ऊंचे जगह से आप देखिएगा तो पहाड़ पे आज भी आपको निशान मौजूद मिलेगा। उधर देख सकते हैं दानव है, इधर देवता है, दोनों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न प्राप्त हुए थे। जब आप पाफरनी तालाब से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं तो आप सीढ़ी की ओर मंदार पर्वत ऊपर की ओर जा सकते हैं या रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोपवे का व्यवस्था भी किया गया है, जिससे कि आराम से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। यहाँ इधर देख सकते हैं रोपवे की व्यवस्था किया गया है, हालांकि हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल जाने के बाद आपको पूरा टूर कराएंगे और सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा दृश्य बनाया गया है। लोग पैदल जा रहे हैं, मंदार पर्वत पूरा चढ़ेंगे। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये लगभग 400 से प्लस सीढ़ियाँ हैं मंदार तक जाने में, आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा पूरा ऊपर तक जाने में। आप देख सकते हैं इधर से होते हुए आप उधर रोपवे है, और इधर सीढ़ी से चढ़ते हुए आप ऊपर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं और कोशिश करेंगे सारे मंदिर का दर्शन कराने के लिए, और सारे कुछ इस पवित्र स्थान के बारे में। यह मंदार पर्वत तीन धर्मों का मिलन से बना हुआ है, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सफा धर्म। इस मंदार पर्वत में बौद्ध धर्म, सफा धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म के मंदिर आपको दर्शन करने को मिलेगा। जैसे जैसे आप चलते जाते हैं आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए इधर मंदिर भी, छोटा छोटा मंदिर है, दर्शन करते हुए आप ऊपर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं रोपवे का भी सुविधा है, अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप रोपवे के साधन से जा सकते हैं। बीच में भी सभी चीज़ खाने पीने का मिल जाएगा, और उसी के बीच में आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा तालाब है, इस तालाब का एक रहस्य है। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये सीता कुंड है। इस कुंड का नाम सीता कुंड क्यों पड़ गया तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तब वह मंदार पर्वत पर भी रुके थे। कहते हैं यही माता सीता ने भगवान भास्कर की उपासना की थी, और इसी जल कुंड में माता सीता ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया था, इसलिए इस जल कुंड का नाम सीता कुंड पड़ गया।
थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आपको एक नरसिंह भगवान का प्रतिमा पहाड़ों के अंदर दिखेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं। उधर देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती और इधर देख सकते हैं वो पहाड़ के अंदर ही है बाबा का प्रतिमा। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन कराते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और लाइक शेयर ठोकना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों परिवारों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ये देखिए नरसिंह भगवान का खूबसूरत सा प्रतिमा अंदर है। देखिए पहाड़ों के बीच में दूर से आपको दिखाते हैं, देखिए। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और अपने मनोकामना को मांग लीजिए, नरसिंह भगवान आपके सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए अंदर, देखिए ये देखिए पूरा पहाड़ देख सकते हैं आप किस तरह से पहाड़ है। पहाड़ों के अंदर नरसिंह भगवान का प्रतिमा आप देख सकते हैं किस तरह से। तो आप लोगों को दर्शन करा दिए, तो अब आगे की ओर चलते हैं गाइस। कंटिन्यू बने रहिएगा, सभी चीज़ के बारे में धीरे धीरे आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान का ये कुटिया है अंदर। तो आगे चलिए चलते हैं धीरे धीरे। आप देखिए हम लोग इस गुफा में घुसेंगे गाइस। देखिए गुफा इधर देख सकते हैं, कुआं है, आप इधर जाके आराम से पानी पी सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। देखिए उधर आई थिंक वो बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान आप देख सकते हैं उधर, काट के पत्थर को बनाया गया है। और इधर देख सकते हैं ये अंदर जाना संभव नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पानी है। अब देखिए ये काफ़ी पवित्र है, आप इस स्थान पे अपने शरीर पे पानी छिड़काव करते हैं और जो मांगते हैं सभी मन्नतें पूरी होती है। अब ये देख सकते हैं ये पहाड़ों के बीचे बीच एकदम देखिए गुफा जैसा बना हुआ है गाइस। देखिए कम ही लोग आपको ऐसा स्थान दिखाए होंगे। ये देखिए इसको आप दूर से देखिएगा ना तो ये शंख के जैसा लगेगा, इसलिए इस कुंड का नाम शंख कुंड है। देखिए यहाँ शंख का तस्वीर भी बनाया हुआ है, इसी के तरह ही बना हुआ है। दूर से आपको दिखाते हैं, देखिए एक शंख के जैसा बना हुआ है। ये देख सकते हैं ये मंदार पर्वत महादेव भगवान का मंदिर है। यहीं पे भोले बाबा जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकले थे तो वो विष भोले बाबा पिए थे, वही स्थान पे पिए थे आप देख सकते हैं वो। और अंदर भोले बाबा का प्रतिमा है तो अंदर पूरा दर्शन कराते हैं। और उसके बगल में ही देख सकते हैं ये बाबा जी कह रहे हैं कि ये क्या कहता है पार्वती कुंड है, और नीचे में सीता कुंड भी था। इधर देख सकते हैं इधर राम भरत का गुफा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आप लोगों को। इधर देख सकते हैं भगवान का प्रतिमा, देखिए पैरों के निशान है। इधर देख सकते हैं इधर भी पैर के निशान है बाबा के। देखिए सब सभी का आपको दर्शन करा दिए हैं। अब चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए पहाड़ों के बीच है श्री मंदार काशी विश्वनाथ महादेव, जय भोलेनाथ। तो अब हम लोग जैन मंदिर जा रहे हैं गाइस। देखिए इधर जैन मंदिर है, आप ये देख सकते हैं ये मंदार पर्वत के सबसे शिखर पे है जैन मंदिर का ये खूबसूरत सा प्रतिमा। आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं भगवान वासु पूज्य जिनालय। देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत सा प्रतिमा है बाबा का। पूरा आपको दर्शन करा दिए हैं, पूरा मंदार का टूर करा दिए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अपने परिवारों में। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है गाइस, आप देख सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय। सभी को हमारे तरफ से जय श्री राम।